सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोने में किसका वास है? भगवान श्री कृष्ण का। और सोने में कलयुग का भी वास है, बताओ कैसे? एक में दो कैसे बैठ सकते हैं? जो आपकी मेहनत की कमाई है, पसीने की कमाई है, उसमें किसका वास होगा? भगवान श्री कृष्ण का। और जो आप पाप करते हैं, भ्रष्टाचार, ला 5,000 रुपए देगा तो साइन करूंगा, भ्रष्टाचार किया, पापाचार किया, लूट लिया, तो ये पैसा जो आपने जोड़ा पाप करके, ये कौन सा है? इस कलयुग इसमें क्या बैठेगा? इसलिए कहता हूं मेरी मां, सब लोग ध्यान से सुने, आप यदि सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं, प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब है, कोई भी हो, ईमानदारी की रोटियां खाना सीखो। बेईमानी से आप धनवान हो जाएंगे, आपकी आंखों के सामने वो धन भी तैयार होगा, और आपकी आंखों के सामने उस धन में आग भी लगेगी, वो भी आप देखेंगे अपनी आंखों से। बेईमानी बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, इसलिए ईमानदारी की रोटियां खाओ। गवर्नमेंट जो तुम्हें दे रही है 25,000 महीने का, 50,000 महीने का, 1,00,000 रुपए महीने का, उसे रखो, वो तुम्हारी मेहनत का है। अब तुम जो भ्रष्टाचार करते हो, साइन करके 5,000 रुपए मिल जाए, ये करके 10,000 रुपए मिल जाए, ये नहीं है, लाइसेंस नहीं है, फलाना नहीं है, तो लाओ 200 रुपए ला दो, चलो 85 ला दो, कुछ नहीं है तो चलो 10 रुपए ही दे दो, ये जो तुम्हारी आदत है, ये तुम्हारे परिवार के लिए और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। बेईमानी का धन जब घर में आता है ना मेरी मां, तो वो अपने आप घर में तूफान खड़ा कर देता है। इसलिए मेहनत का धन होगा तो आपका घर में सब संस्कारी होंगे, सब अच्छा होगा। यदि आपके घर में किसी की बुद्धि बिगड़ गई, समझ लेना बेईमानी का पैसा आया है कहीं ना कहीं से। इसलिए तुम पति पत्नी में, भाई भाई में और बाप बेटे में तालमेल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे धन का, तुम्हारे घर का धन दूषित है। अशांति, आज पहले के लोग गरीब थे पर आज से ज्यादा सुखी थे, शांत थे, क्यों? क्योंकि पहले ईमानदारी का पैसा था, पसीने का पैसा हुआ, ईमानदारी की रोटी तो खुशी देगी, और आज करोड़ है पर बेईमान का, बेईमानी का, इसलिए कहां से आता है कहां चला जाता पता नहीं चलता, लड़ाई झगड़ा। और इसलिए सोने में दो लोग, सोना मीन्स धन, इसमें पैसा है, सोना है, चांदी है, हीरा मोती सब कुछ आ गया। धन में दो लोगों का वास होता है, श्री कृष्ण का और कलयुग का। बताइए, आप बताइए कलयुग का कहां होता है वास, किस धन में? ईमानदारी के धन में कलयुग होता है, तो फिर बेईमानी में कौन बैठता है? मैया बता, बेईमानी के धन में किसका वास होता है? जोर से। और मेहनत के धन में भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए मेहनत करो, पसीना बहाओ और ईमानदारी की रोटियां खाओ। पड़ोसी भ्रष्टाचार कर रहा है, बेईमानी कर रहा है और रातों रात करोड़पति बन गया, उसके जैसे बनने की तुम कोशिश ना करो। वो बन जरूर गया है पर उसकी, उससे अच्छी नींद आपकी है, उससे अच्छी भूख आपकी है, क्योंकि आप ईमानदार हैं। वो बेईमान है, उसे नींद नहीं आती होगी, गोलियां खा के सोता होगा, फिर भी उल्लू की तरह ताक रहा होगा, नींद तब भी नहीं आएगी। धन सोने कहां देता है बेईमानी का। इसलिए खूब आनंद से खाओ नमक रोटी। साहब मैंने देखा है, एक आदमी बादाम हलवा खा रहा है, हलवा खाए, बादाम खाए, किशमिश खाए, फिर भी दुबला पतला, फिर भी सूखा सा, और एक आदमी नमक रोटी खाता है ना तो भी बढ़िया पहलवान है, मस्त है। क्यों? क्योंकि ये बादाम खा तो रहा है पर बहुत चिंता में है, टेंशन में,
और ये नमक रोटी खा रहा कोई चिंता नहीं, खा के 5-6-10 रोटी खाता सोता है पांव पसार के भगवान के भरोसे, कोई चिंता नहीं है। कौन सुखी आप मानेंगे, किसे सुखी मानेंगे? इसलिए ईमानदारी आपको बहुत समय तक सुखी रखेगी, बेईमानी बहुत जल्दी आपको नीचे गिरा दे। इसलिए ईमानदारी से चलो।